गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्टडी की थी इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, बेसिक स्टडी की थी। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। चैप्टर है थर्ड मैट्रिक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इफ मैट्रिक्स ए इक्वल मैट्रिक्स आपको गिवन है ए आई जे 2 × 4। ए 2/4 की मैट्रिक्स आपको गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स यानी अवयवों की संख्या। नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स अवयवों की संख्या। बच्चों आपको एक 2/4 की मैट्रिक्स गिवन है और आपको फाइंड करना नंबर्स ऑफ एलिमेंट। तो बच्चों हमने स्टडी की थी लास्ट क्लास में, तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? नंबर्स या m क्रॉस n नंबर्स ऑफ रो इनटू नंबर्स ऑफ कॉलम इज कॉल्ड नंबर्स ऑफ एलिमेंट या ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। m क्रॉस n नंबर्स ऑफ एलिमेंट या क्रम ऑर्डर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नंबर्स ऑफ रो है 2, नंबर्स ऑफ कॉलम है 4, तो कितने हो गए एलिमेंट्स? 8। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 8। यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में या मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है। तो नंबर्स ऑफ रो इंटू नंबर्स ऑफ कॉलम इक्वल आंसर क्या आ गया? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। Draw a unit matrix 4/4. 4/4 की किसकी ऑर्डर क्या है? 4/4। एक 4/4 की यानी a इक्वल मैंने सपोज किया a i j 4/4 की एक यूनिट, कौन सी यूनिट मैट्रिक्स प्रिपेयर करनी है आपको, कौन सी मैट्रिक्स? यूनिट। तो बच्चों यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? 4/4 की यूनिट मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार प्रिपेयर होगी, जिसके ऑल एलिमेंट्स यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? यूनिट। तो देखिएगा 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 रो एंड 4 कॉलम, तो 4/4 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। और कौन सी मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स। क्वेश्चन कह रहा है कि 4/4 की कौन सी मैट्रिक्स प्रिपेयर कीजिएगा? यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके ऑल एलिमेंट्स क्या होते हैं? यूनिट 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इफ आपको फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है K+4 3 − 1 K − 6 इक्वल है 1 3 − 4। एक मैट्रिक्स गिवन है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बच्चों इस मैट्रिक्स में किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें? बच्चों ए की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ए की। तो बच्चों वैल्यू फाइंड करने से पहले ये देखेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं।
तो देखिएगा बच्चों, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। जब बोथ मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तो मैट्रिक्स क्या होती है? इक्वल। बच्चों मैट्रिक्स इक्वल क्या होती है? कंडीशन होती है इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? जब मैट्रिक्स का क्या हो? ऑर्डर सेम हो। क्या सेम हो? ऑर्डर सेम होता है। ये 2x2 की है, ये भी 2x2 की है। अगर ऑर्डर सेम होता है तो मैट्रिक्स क्या होती है? इक्वल। और इक्वल भी क्या होती है? यानी क्रॉसपॉन्डिंग। क्रॉसपॉन्डिंग कौन से? क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स बच्चों? क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? इक्वल। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स कभी कल होते हैं? जब ऑर्डर क्या हो? सेम। तो देखिएगा बच्चों, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं। दोनों मैट्रिक्स क्या है बच्चों? सेम ऑर्डर की हैं। ये भी 2x2 की है, ये भी 2x2 की है। तो मैं क्या नोट करूंगा? कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग टू क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स। किसकी कंपेयर करेंगे? क्रॉसपॉन्डिंग संगत एलिमेंट्स की कंपेयर करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा बच्चों, यहां से मैं नोट कर रहा हूं K/4, K+4, K+4 इक्वल क्या है? A। और क्या नोट गिवन है आपको? A कांस्टेंट टर्म्स यही गिवन है, K-6 इक्वल 3। इसके ये इक्वल होगा, इसके ये इक्वल होगा, A21 के A21 इक्वल होगा, A22 के A22 इक्वल होगा, सॉरी A22 के कौन सा इक्वल होगा? -4। ठीक है बच्चों, A11 के कौन सा इक्वल होगा? A11। तो यहां से मैं किसकी वैल्यू फाइंड कर लूंगा बच्चों? K की। K इक्वल हो गया -4+6, तो K इक्वल क्या आ गया? 2। K की वैल्यू 2 कहां पुट कर देंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। इसको फर्स्ट सपोज कर लो, इसको सेकंड, तो फर्स्ट में पुट कर देंगे तो क्या आ गया बच्चों? K की वैल्यू क्या है? 2। 2+4 इक्वल A। तो A की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 4+2 6। यही आपका आंसर है। तो मैं फिर रिपीट करता हूं, मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? जब उनका क्या हो? ऑर्डर सेम। अगर ऑर्डर सेम है तो बच्चों उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो नोट कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ, किसका ऑर्डर फाइंड करना? एक 6 एलिमेंट्स है, यानी एक मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 6 एलिमेंट्स है। एक मैट्रिक्स है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 6। तो पॉसिबल ऑर्डर फाइंड करने हैं, यानी जिस मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स हो उनके पॉसिबल ऑर्डर, यानी हम किस किस ऑर्डर की मैट्रिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी 6 एलिमेंट से हम किस किस ऑर्डर की मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों एक एग्जांपल बताता हूं, अगर मेरे पास क्या है? 8। क्या है बच्चों? 8 से मैं कौन कौन सी मैट्रिक्स प्रिपेयर कर सकता हूं? तो ध्यान से देखिएगा, हो सकता 8 × 1, कोई दिक्कत? 1 × 8 की मैट्रिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं, 8 × 1 की, या 2 × 4 की, या 4 × 2 की। ये मैट्रिक्स में क्या कर सकता हूं? प्रिपेयर कर सकता हूं। कैसे? 1 row 8 column हो सकते हैं। आपको सर ऐसा नहीं हो कि 8 row 1 column हो जाए, आपको सर 2 row 4 column हो जाए, आपको सर 4 row 2 column। तो कितनी मैट्रिक्स प्रिपेयर करके चुके हम? 4। ऐसे ही हमको ये बताना है कि जिस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हो? 6। इसमें कितने थे? 8। तो 6 एलिमेंट्स वाले मैट्रिक्स में हम कितने मैट्रिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं? देखिएगा, 6 का फैक्टर क्या हुआ? 1, 6 फर्स्ट मैट्रिक्स हो गई। हो सकता है 6 1 की हो जाए, एक मैट्रिक्स हो सकती है 2 3 की, और एक मैट्रिक्स क्या होती है सकती है बच्चों? 3 2 की। और पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पॉसिबल ऑर्डर क्या हो गए? फर्स्ट मैट्रिक्स आप प्रिपेयर कर सकते हो 6 column 1 row,
या सॉरी 6 रो 1 कॉलम, 1 रो 6 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम, यही आपका क्या है आंसर। चाहे कुछ पूछे 6 8 5 3 उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पॉसिबल ऑर्डर बताना है। ठीक है बच्चों, नोट कीजिएगा। हाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है बच्चों, 2x2 का एक क्या प्रिपेयर करना है, 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ऑर्डर गिवन है 2x2 की एक मैट्रिक्स प्रिपेयर करनी है और A इक्वल है ए आई जे, ए मैट्रिक्स प्रिपेयर करनी है आपको, और आपको जिसके एलिमेंट्स आपको क्या गिवन है देखिएगा बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ए आई जे इक्वल 2i-j अपॉन में 3i+j, 3i+j। तो देखिएगा बच्चों, इससे हमें जो आपको इक्वेशन गिवन है इससे हमें क्या प्रिपेयर करनी है, 2x2 की मैट्रिक्स। तो नोट करते हैं बच्चों, मैट्रिक्स लेट ए इक्वल ए आई जे आपको गिवन है और आपको क्या प्रिपेयर करनी है, एक 2x2 की मैट्रिक्स जिसमें दो टू ही रो हो और टू ही क्या हो कॉलम। तो कुछ इस प्रकार नोट कर सकते हैं हम, a11 a12 a21 और a22 नोट कर सकते हैं ना बच्चों। तो देखिएगा फर्स्ट एलिमेंट हमें कौन सा फाइंड करना है, a11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या हम पुट करेंगे यहां, यानी आई की वैल्यू है 1, जे की वैल्यू है क्या 1, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2x आई की वैल्यू क्या है 1, 1-माइनस जे की वैल्यू भी क्या है 1 अपॉन में 3x आई की वैल्यू क्या है 1 प्लस जे की वैल्यू क्या है 1, तो क्या आ गया बच्चों 2 1 जा 2, 2-1 1, 3 1 जा 3, 3+1 4, 1/4। सेकेंड एलिमेंट्स की बात करता हूं, 1 2, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट्स, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम a12, तो बच्चों ये वैल्यू कहां पुट करूंगा यहां, तो बताइएगा 2x i की वैल्यू क्या है 1 माइनस j की वैल्यू क्या है 2 अपॉन में 3x i की वैल्यू क्या है 1 प्लस j की वैल्यू क्या है 2, 2 1 जा 2, 2-2 0। देखिएगा बच्चों 2 1 जा 2, 2-2 0, 0 में किसी भी डिजिट का डिवाइड करेंगे 0, ये नोट कर लो, 3+2 5, यानी क्या आ गया 0। थर्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं हम, a21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, वैल्यू पुट करो बच्चों 2x i की वैल्यू क्या है 2 माइनस जे की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 3x i की वैल्यू क्या है 2 प्लस जे की वैल्यू क्या है 1, 2 2 जा 4, 4-1 3 अपॉन में 3 2 जा 6, 6+1 7। लास्ट एलिमेंट्स है आपका बच्चों a22, तो a22 वैल्यू पुट करेंगे, यानी जहां आई होगा वहां भी 2 पुट करूंगा और जे होगा वहां भी क्या पुट करेंगे बच्चों 2 अपॉन में 3x2+2, तो क्या आ गया 2 2 जा 4, 4-2 2 अपॉन में 3 2 जा 6, 6+2 कितना हो गया बच्चों 8, 1/4। तो बच्चों a11 की वैल्यू आ गई, a12 की, a21 की और a22 की, ये वैल्यू कहां पुट कर देंगे a में मैट्रिक्स में। नाउ a इक्वल क्या हो गया बच्चों बताओ, a11 की वैल्यू क्या है 1/4, a12 की वैल्यू क्या है 0, a21 की वैल्यू क्या है 3/7 और a22 की वैल्यू क्या है 1/4।
ये एक 2x2 की क्या हो गई बच्चों, मैट्रिक्स। क्या हो गई? मैट्रिक्स। ऑर्डर नोट करने की आवश्यकता नहीं है। इसी का सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट है ए आई जे इक्वल आई आई प्लस 2j अपॉन में 2y। सॉल्व करेंगे, देखिएगा बच्चों किसकी मैट्रिक्स बनानी है, 2x2 की। सेम यही मैट्रिक्स प्रिपेयर करनी है। तो देखिएगा बच्चों, फर्स्ट में फाइंड आउट कर रहा हूं a11 a11। तो i की वैल्यू 1, j की भी वैल्यू 1। तो नोट नोट करो, 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू 1 बच्चों, यहां होल स्क्वायर। तो क्या आ गया, 1 प्लस 2 3 अपॉन में 2, 3 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9 अपॉन में 2। सेकेंड एलिमेंट्स की बात करते हैं, फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट्स। आई की वैल्यू क्या है 1, जे की वैल्यू क्या है 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू, आई की वैल्यू क्या है बच्चों 1। तो क्या आ गया बताओ, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 25 अपॉन में 2। नेक्स्ट की बात करते हैं ए 2 2, ए 2 1 सॉरी, ए 2 1 क्या होगा बच्चों, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 2। तो बच्चों क्या आ गया 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16 अपॉन में 4 यानी 4। नेक्स्ट ही बात करते हैं ए 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। आई की वैल्यू है 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 2। तो क्या आ गया बच्चों 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, 6 की पावर 2 यानी 36 अपॉन में 2 2 जा 4। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 4 9 जा 36। तो मैट्रिक्स क्या हो गई, नाउ ए मैट्रिक्स हो गई ए 11 क्या है बच्चों 9x2, 9x2। ए 12 क्या है 25 अपॉन में 2, 25 अपॉन में 2। ए 21 क्या है 4 और ए 22 क्या है 9। बच्चों यही हमें क्या करनी थी प्रिपेयर। इससे भी हमें 2x2 की मैट्रिक्स मिल गई और इससे भी हमें क्या मिल गई 2x2 की मैट्रिक्स। अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, थर्ड क्वेश्चन नोट कर देता हूं मैं। ए आई जे इक्वल 2y माइनस 3j। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा।